शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। द केरल स्टोरी फिल्म पर मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है और अब NCP नेता जितेंद्र आव्हाड ने इस फिल्म को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केरला स्टोरी जैसी काल्पनिक फिल्म जिस प्रोड्यूसर ने बनाई है उसे बीच चौराहे पर फांसी दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई जैसा सामाजिक सौहार्द के आंकड़े देखने के बाद समझ आता है कि केरल देश के आदर्श राज्यों में से एक है। हमें बताया गया कि 32,000 लड़कियों का या तो धर्मांतरण किया गया या देश के बाहर आतंकी संगठन ISIS भेजा गया है। आज ये आंकड़ा 3 बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, फिल्म केरला फाइल्स के अपने तो सिर्फ एक राज्य को ही नहीं बल्कि उस राज्य की लड़कियों, माताओं, बहनों को भी बदनाम किया है। अब आधिकारिक आंकड़ा 3 बताया जा रहा है, 3 और 32,000 में कितना फर्क है। इस फिल्म को जिस प्रोड्यूसर ने बनाया है उसे बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए और जो इस तरह का प्रोपोगेंडा फिल्म बना रहे हैं ज़रा भी शर्म उन्हें नहीं आती क्या? जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा है आपको सुना दें। आपण म्हटलं की 32,000 बायकांनी धर्मांतरण केलं आणि काही ISIS मध्ये गेल्या, इथे गेल्या, तिथे गेल्या, तिथे गेल्या, आज त्याचा आकडा येतोय 3। आपल्याला लाजही वाटत नाही। केरळा फाईल्सच्या नावाखाली एका राज्याला तर बदनाम केलंच, पण तिथल्या महिला भगिनींना पण बदनाम केलं। आता आकडा ऑफिशियल येतोय 3, 32,000 कुठे आणि 3 कुठे? हा जो कोण प्रोड्युसर आहे ज्यांनी हे काल्पनिक चित्र उभं केलं त्याला तर भरचौकात फाशी द्यायला पाहिजे, आणि जो कोणी याचा प्रोपोगंडा करताय त्यांना लाजही वाटत नाही। सत्य स्टॅटिस्टिक्स पुस्तकांमध्ये अवेलेबल असतं ना, जरा पुस्तकं चाळा सगळं हातात। हे आम्हाला काय वरून पाठवलं नाही कोणी, हे आम्हाला पण, मला पण आश्चर्य वाटलं ना, 32,000 महिला धर्मांतरण केलं, हे तर बघावंच लागेल। बघितलं तर आलं 3, आणि तिन्ही जणींची नावं, 32,000 पोरी गेल्या मागच्या 6-7-8 वर्षात केंद्र सरकारमध्ये मोदी साहेब बसले, कळलं नाही त्यांना पोरी गेल्या, धर्मांतरण झालं। खर तर सुमोटो सुप्रीम कोर्ट किंवा केरळ हायकोर्टने मध्यस्थी केली पाहिजे आणि पिक्चर थांबवलं पाहिजे। आणि BJP लीडर हा पिक्चर जाऊन बघा, हा पिक्चर जाऊन बघा, हा पिक्चर जाऊन बघा, काय बघा, कुठं तुम्ही